आइए अब हम ध्यानपूर्वक विजया एकादशी की कथा सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाई। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देव ऋषि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और सीता माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु ने सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी से अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। परंतु सागर के जल जीवों के से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं, आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्ता लव्य मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्ता लभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखिए। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय हुई। यह थी विजया एकादशी की व्रत कथा। अन्य कथाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।